Welcome to our YouTube channel, दोस्तों. Today we are going to tell about how to write English essay, English paragraph on road safety. दोस्तों आज हम आपको सड़क सुरक्षा पे, road safety पे बता रहे हैं कैसे आप English में paragraph write करेंगे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. Road safety is very important for us. हमारे लिए सड़क सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है. Road safety is very important for us. हमारे लिए सड़क सुरक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है. आज हम प्रत्येक कार्य के लिए यातायात साधनों का प्रयोग करते हैं. टुडे वी यूज ट्रांसपोर्ट. टुडे वी यूज अ ट्रांसपोर्ट मीन्स फॉर एवरी वर्क. हम लोग प्रत्येक कार्य के लिए यातायात साधनों का प्रयोग करते हैं. रूल्स हैव बीन मेड टू प्रिवेंट. रूल्स हैव बीन मेड टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स. सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं जिसे सड़क सुरक्षा कहते हैं. रूल्स हैव बीन मेड टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स विच इज कॉल्ड रोड सेफ्टी. सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं उसे सड़क सुरक्षा कहते हैं विच इज कॉल्ड रोड सेफ्टी, जिसे हम सड़क सुरक्षा कहते हैं. बाय फॉलोइंग रोड सेफ्टी रूल्स. सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम हो सकती है. बाय फॉलोइंग रोड सेफ्टी रूल्स कॉमा रोड एक्सीडेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड एंड वी विल ऑल बी एबल टू travel on safe roads. सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम हो सकती है और हम सब सुरक्षित सड़कों पर यात्रा कर पाएंगे. By following road safety rules, road accidents can be reduced and we will all be able to travel on safe roads. Today the number of vehicles on the road. आज सड़कों पर वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है. टुडे द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. आज सड़कों पर जो है वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है. गाड़ियों की भीड़ इतनी बढ़ गई है कि सड़कों पर घंटों तक ट्रैफिक जैम लगा रहता है. द रश ऑफ व्हीकल्स हैज increased so much that there are traffic jams on the roads for आवर्स. आज सड़कों पर वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है और गाड़ियाँ की भीड़ इतनी बढ़ रही है गाड़ियों की कि सड़क पर घंटों तक ट्रैफिक जाम लगा रहता है. टुडे द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. द रश ऑफ व्हीकल्स हैज इंक्रीज्ड सो मच दैट देर आर ट्रैफिक जैम्स ऑन द रोड्स फॉर आवर्स. नाउ डेज पीपल यूज पब्लिक व्हीकल्स लेस एंड यूज प्राइवेट व्हीकल. प्राइवेट व्हीकल्स मोर. आजकल लोग सार्वजनिक वाहनों का कम इस्तेमाल करते हैं और निजी वाहनों का उपयोग ज़्यादा करते हैं. नाउ डेज पीपल यूज़ अ पब्लिक व्हीकल्स लेस एंड यूज़ प्राइवेट व्हीकल्स मोर. टुडे लैक्स ऑफ पीपल लॉस देयर. आज सड़क हादसों से लाखों लोगों की जान चली जाती है. टुडे
Lakhs of people lost their lives due to road accidents. आज सड़क हादसों से लाखों लोगों की जान चली जाती है। सड़क सुरक्षा को अपनाकर हम बड़ी मानव क्षति को बचा सकते हैं, दुर्घटना से देर भली की कहावत है। बाय अडॉप्टिंग रोड सेफ्टी कॉमा वी कैन सेव यूज ह्यूमन लॉस। सड़क सुरक्षा को अपनाकर हम बड़ी मानव क्षति को बचा सकते हैं। देर इज अ सेइंग दैट सेइंग ऑफ सॉरी दैट नहीं होगा दोस्तों देर इज अ सेइंग ऑफ बेटर लेट दैन बेटर लेट दैन एक्सीडेंट। कहावत है जो दुर्घटना से देर भली। अधिकतर सड़क हादसों का कारण तेज गति से वाहन चलाना, नशे में वाहन चलाना तथा लापरवाही मूल कारण रहे हैं। मोस्ट ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स आर caused बाय स्पीडिंग ड्रंक ड्राइविंग and carelessness। अधिकतर सड़क हादसों का कारण तेज गति से वाहन चलाना, नशे में वाहन चलाना तथा लापरवाही मूल कारण रहे हैं। मोस्ट ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स आर caused बाय स्पीडिंग ड्रंक ड्राइविंग एंड carelessness। देयरफोर बाय फॉलोइंग इसलिए हम सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने से हम सड़क हादसों पर लगाम लगा सकते हैं। Therefore, comma, by following the rules of road safety, we can curb road accident। इसलिए हम सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने से हम सड़क हादसों पर लगाम लगा सकते हैं। सड़क के नियम संकेत निम्नलिखित हैं। Following are the road following are the road rules and signs। सड़क के नियम एवं संकेत जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट में आता है दोस्तों हमें हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। We should always walk we should always walk on the left side of the road। हमें सड़क हमेशा सड़क के बाईं ओर चढ़ना चाहिए। We should always walk on the left side of the road। Second number point है दोस्तों the footpath should be used for वॉकिंग। हमें पैदल चलने के लिए फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड नंबर पॉइंट है टू क्रॉस द रोड सड़क पार करने हेतु ओवरब्रिज अथवा जेब्रा लाइन को अपनाना चाहिए। टू क्रॉस द रोड ओवरब्रिज एंड जेब्रा लाइन टू क्रॉस द रोड ओवरब्रिज एंड जेब्रा लाइन्स शुड बी अडॉप्टेड। फोर्थ नंबर पॉइंट है वाहन को चलाने में सावधानी अपनाना चाहिए क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। केयर शुड बी टेकन इन ड्राइविंग केयर शुड बी टेकन इन ड्राइविंग द व्हीकल बिकॉज कॉजन removed accident happened क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। फिफ्थ नंबर पॉइंट है सड़क पर लगे निशान चिन्हों तथा संकेतों का पालन करना चाहिए। साइंस
comma, science and science on the road should be followed. सड़क पर लगे जो निशान और चिन्ह होते हैं उनका पालन करना चाहिए. इट इज़ इन द इंटरेस्ट, यातायात के नियमों संकेतों का पालन करना हम मानव के हित में है. इन इस इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस सॉरी सिग्नल्स. नियमों का पालन करना समाज, प्रदेश तथा राष्ट्र हितकारी है. हमें हमेशा यातायात नियमों का पालन करना चाहिए. फॉलोइंग द रूल्स ऑफ बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी फॉलोइंग द रूल्स इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी कॉमा द स्टेट एंड द नेशन. वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. हमें हमेशा यातायात नियमों का पालन करना चाहिए. तो दोस्तों ये था रोड सेफ्टी पे इंग्लिश पैराग्राफ राइट.